स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज पर। मैं राहुल पांडे। महाराष्ट्र में 100 करोड़ के वसूली का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर एक और गंभीर आरोप जो है लगाया है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में अफसरों की बड़ी पोस्ट पर पोस्टिंग के लिए रिश्वतखोरी का मामला जो है वो चलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि इस मामले का खुलासा करने वाली अधिकारियों पर भी जो है उद्धव की सरकार ने कार्रवाई भी की है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि गृह मंत्री के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान इंटेलिजेंस कमीशन द्वारा एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था। हमने अपर मुख्य सचिव गृह से उचित अनुमति के बाद कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए गए जो कुछ बड़े नामों का उजागर करते हैं। पूर्व सीएम फडणवीस ने कहा कि सीओआई ने एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जो 25 अगस्त 2000 को डीजी और एसीएस होम को सौंपी गई थी। इसमें गहन जांच शुरू करने की मांग की गई थी। सीएम उद्धव ठाकरे को गंभीरता के बारे में भी बताया गया और उन्होंने भी चिंता व्यक्त की। मेरे पास 6.3 GB कॉल का पूरा डेटा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने रिपोर्ट गृह मंत्री को भेजी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय इंटेलिजेंस की कमिश्नर रश्मि शुक्ला को कार्रवाई का सामना करना पड़ा। बड़े नामों का खुलासा करने पर उनको सम्मान नहीं दिया गया। साथ ही इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और इंटरसेप्शन में आरोपी लोगों की पदोन्नति मिली। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र पुलिस में हाई लेवल की पोस्ट के लिए पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने केंद्रीय गृह सचिव से समय मांगा है और आज मेरी उनसे मुलाकात होगी। मैं उनसे पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करूँगा। देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि शरद पवार गृह मंत्री अनिल देशमुख के मामले में झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए डीआरबी न्यूज के साथ। नमस्कार।